आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं, सिद्धार्थ सिद्धानी हैं, किरण जाधव हैं और विवेक गुप्ता हैं, और साथ ही आशीष कुकरेजा भी मौजूद है। बातचीत करेंगे मेहमानों से, लेकिन फटाफट से चलते हैं पूजा के पास, जान लेते हैं आज की 10 इंट्राडे कॉल्स। बताइए पूजा। IDBI कैपिटल के कॉल से पहले शुरुआत कर लेते हैं। इन्होंने अमर राजा बैटरीज में खरीदारी करने की राय दी है। 898 तक के लेवल्स इनका मानना है कि स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आज इंट्राडे में करीब 2-3% के रिटर्न स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और दूसरे कॉल में इन्होंने रेपको होम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। आज काफ़ी सारे जानकार बुलिश हैं होम फाइनेंस स्टॉक में, और इनका मानना है कि इस स्टॉक में 705 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 670 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। चॉइस ब्रोकिंग के कॉल लेते हैं। इन्होंने बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली थी और आज भी तेज़ी देखने की उम्मीद है। 157 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक होगा मणप्पुरम फाइनेंस। यहाँ पर इनका मानना है कि 100 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है और 90 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगले कॉल में इन्होंने EIH होटल्स में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी 4% का अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला था, आज भी 4-5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 113 के लेवल्स देखने की उम्मीद है और 105 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। इन्वेस्टर पॉइंट्स ने UPL में खरीदारी करने की राय दी है। आज न्यूज़ फ्लो भी है स्टॉक में और 750 के लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है। टाटा ग्लोबल इनका अगला बाय कॉल है 158 के टारगेट के लिए और 149 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और अगले कॉल में इन्होंने कावेरी सीड्स में खरीदारी करने की राय दी है 570 के लेवल्स के लिए और 545 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। आखिरी कॉल में बोनांजा पोर्टफोलियोज की कुछ व्यू ले लेते हैं। इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। 615 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है, 590 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। आखिरी कॉल में ये IT काउंटर में बुलिश हैं और इनका मानना है कि विप्रो में 520 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और आज 502 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। चलिए आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आप क्या अप्रोच रख रहे हैं मार्केट्स पे और कौन से सेक्टर्स पे से बुलिश हैं आप या फिर कौन से स्टॉक्स पे? देखिए इस समय जो मार्केट की डायरेक्शन है वो अब कुछ चुनिंदा सेक्टर ही डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मोर और लेस जितने भी ट्रिगर्स हैं दे आर नाउ बिहाइंड अस। And I think the one sector which comes to my mind, Rajat, to cut the long story short, is banking. क्योंकि अब जिस तरीके से अब NPA resolution और अब जो एक नई political environment आई है और उससे related जो farm ने loan waiver है उससे related triggers जो हैं वो अब इस market को एक direction दे सकते हैं। क्योंकि government किस तरह का stand लेती है, किस तरह की working आगे निकालती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मार्केट ये अज्यूम कर रही है कि गवर्नमेंट थोड़ा और टाइम लेगी और प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट के पास इतना टाइम इस समय है नहीं। और वहाँ पे एक मार्केट के लिए ट्रिगर है 9000 से लेके 9300 तक के जो एक ब्रॉड रेंज है, आई थिंक मार्केट वहाँ पर स्टेबलाइज रहेगा, टिका रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो हम सब जानते हैं कि अब वापस से मार्केट में आनी शुरू हुई है। और अब जो एक और छोटा सा फैक्टर ज़रूर रहेगा कि जो हमें डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट इमीडिएट क्वार्टर्स में नहीं देखने को मिले थे फॉर वॉट एवर रीज़न, कुछ कंपनीज ने बहुत स्मार्टली उस फेज को निकाल लिया था, कहीं कहीं थोड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब अगली अर्निंग साइकिल में दिख सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी एक तकलीफ वाला माहौल हो सकता है कुछ सेक्टर्स में। अदरवाइज ब्रॉडली आई थिंक मार्केट इज़ वेल प्लेस टू क्योंकि मैंने बैंकिंग की बात करी और अपने स्टॉक्स पूछे, तो क्योंकि NPA रेजोल्यूशन की तरफ ध्यान है तो जो कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ कंपनीज अच्छी हैं, ICICI बैंक हमें अच्छा लगता है। और हमें एक बैंक जो अब धीरे धीरे वैल्यूएशन के हिसाब से और बिजनेस पिकअप कर रहा है वो है IDFC बैंक।